हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप लोग? कैप्रिकॉन्स, तो मार्च महीना कैसे रहने वाला है आप लोग के लिए? क्या एनर्जीज हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं? अब आप मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं, सो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम। मैं टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। ओके, तो अगर आप इन चीज़ों में कनेक्ट करते हैं, मेरी रीडिंग से कनेक्ट करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। जब भी मैं न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ, आपके मोबाइल पे टिटड़न करके उसकी नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप वीडियो से कनेक्ट कर सकें। ओके, नाउ मार्च मंथ आप लोग के लिए कैसा रहेगा ये हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे बहुत से कैप्रिकॉन जोडियक साइंस के मैसेजेस आते रहते दैट यू नो कि मैम हमारी रीडिंग और डिटेल में कीजिएगा, वी लव योर रीडिंग्स एंड हमें और उससे उसमें मज़ा आता है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द कैप्रिकॉन्स एंड एक्वेरियस, दोनों साइंस को ना मुझे बहुत सारे प्यारे मैसेजेस आते हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द कैप्रिकॉन्स एंड एक्वेरियस साइंस। ठीक है, चलो। सो आप लोग की अभी एनर्जीज चेक कर लेते हैं हम। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जीज। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में एक पॉजिटिव फ्लो दिख रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज, इंटेंशन, वाइब्रेशंस दिख रही हैं। इमोशनली स्टेबल रहोगे, अच्छा माना जाएगा। मार्च की शुरुआत में एक पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ऑल्सो काम में बढ़िया रहेगा, अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं, ट्रैवल के योग हैं। मेहनत, विल पावर बहुत अच्छी रहेगी, आत्मा खुश रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। देखो मंथ की शुरुआत में कैप्रिकॉन्स आप लोग के लिए बहुत ही एक फायर फ्लोई एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। सब कुछ बढ़िया चलेगा, नॉर्मल रहेगा, आप हैंडल करोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, गुड। मिड मार्च में देयर आर पॉ चांसेस एंड पॉसिबिलिटी जहाँ पे थोड़ी सी मन में चिंता, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, रात को नींद ना आना, ये महसूस होना कि हम जिंदगी में अकेले हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लोनलीनेस एंड अपनों से फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, इश्यूज एंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रही है। मिड मार्च डिस्टर्बिंग है, इमोशनली मेंटली स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। ये लव संबंधों में हो सकता है, आपके जीवन में आपके काम की उथल पुथल हो सकती है, या कोई चीज़ जो आपने एक्सपेक्ट की हो वो नहीं हो रही है। तो मार्च, मिड मार्च में आपने अपने इमोशंस को बड़ा स्टेबल रखना है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इस मूड स्विंग्स को आपने कोशिश करनी है संभले रहने की, शांत हो जाने की, सब्र रखने की। ठीक है, जितना अपने अंदर मन में सब्र रखोगे उतने ताकतवर आप होते जाओगे। सब्र बहुत पावरफुल चीज़ होती है, बहुत पावरफुल। मिड मार्च में सब्र सब्र रखिएगा, रुक जाइएगा। घर गृहस्थी में अगर या कब के अपनों से फाइट हो रही है तो अपने ही घर के लोग हैं, हार मान जाइएगा। अपनों से हार मानने में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, आपके ही रिश्ते बच जाते हैं, और अपनों के सामने हार मान जाना कई बार चल जाता है। ठीक है, इट्स ओके। चुप रहने से अगर घर की शांति बनी है तो कोई बात नहीं, चुप ही सही, कुछ वक्त के लिए चुप सही, बाद में शांति से अपनी बात आप कह सकते हो। नाउ मिड मार्च के बाद में एनर्जीज विल टेक अ शिफ्ट, अपवर्ड्स डायरेक्शन में जाएंगी। यहाँ पे द सुल्तान के कार्ड्स आए हैं, द पावर, कॉन्फिडेंस, सनराइज आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे काली रात थी, जिंदगी अंधेरे भरी लग रही थी, अब रोशनी आ रही है कैप्रिकॉन्स, अब सुनहरा दिन आ रहा है। प्यारी पावरफुल एनर्जीज आपको देखने महसूस होंगी। सो मिड मार्च के बाद ही, सो मिड मार्च में मुझे अभी तक डिस्टर्बिंग लगा, आप उसके अलावा अच्छे कार्ड्स हैं। ये रात थी, बेचैनी थी, अननोन का डर था, डर सता रहा था, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब लग रहा है अभी हम झेल लेंगे जो भी है। यहाँ पे बैलेंस के कार्ड आए हैं, जस्टिस के कार्ड आए हैं। एंड ऑफ द मार्च में आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, मिड मार्च में इमोशनली डाउन, डिस्टर्ब, डिप्रेस,
उसके बाद में आप अपनी चीज़ों का स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, बोल्ड हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। अब आप समझ चुके हो कि भैया जो जैसे को हम तैसा देंगे, ठीक है, अपने कॉम्प्रोमाइज़ के एडजस्ट के, अगर सामने वाला आपके कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट को समझ लेगा तो आप सही रहोगे। अगर आपके इतने कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करने के बाद भी अगर आप यू नो रिलेशनशिप में परेशान रहे, फिर आप बोलोगे भाई बस हो गया, अब हमसे ना हो पाई, अब तो हम भी जैसे को तैसा ही देंगे, या तो बात करो तो अच्छे से करो, नहीं करनी तो मत करो, राम राम करके आप चले जाओगे। तो ये समवेयर यू अंडरस्टैंड योर इनर पावर, इनर जस्टिस, एंड अपने लिए स्टैंड लोगे। बट मिड मार्च में ज़्यादा पंगे मत लेना। मिड मार्च के बाद में कोई भी डिसीजन लेने हैं, बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, बट वॉट आई फील इज़ दैट कि कहीं ना कहीं आप लोग मिड मार्च के बाद में ना अपने काम, अपने आप, अपने सेल्फ को लेके बड़े स्ट्रांग हो जाओगे। बहुत ऑरा स्ट्रांग दिख रही है आप लोगों की, लाइक वेरी स्टबर्न, लाइक ये मुझे चाहिए तो चाहिए, अगर ये चीज़ में आप मेरा साथ दे सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं दे सकते हो सो आई एम फाइन ऑल अलोन, मैं अकेला ही सही हूँ, मंजूर है। तो ये आपकी सीधी सीधी बातचीत रहेगी, चाहे काम में हो, चाहे आपके लोगों के साथ, तो भाई जहाँ मर्जी हो। तो ये अभी तक वाइब्रेशंस दिखी हैं। स्टार्ट ऑफ द मार्च अच्छा है, मिड मार्च स्ट्रेसफुल है, एंड ऑफ द मार्च बोल्ड एंड स्ट्रांग कार्ड्स आए हैं। कैंसर इमोशनल एनर्जीज, ये वही स्टार्ट ऑफ द मंथ की वाइब्रेशंस हैं, जहाँ पे आपके घर गृहस्थी में पॉजिटिविटी स्टार्ट ऑफ द मंथ में ज़रूर देखने मिलेगी। आपके बच्चों से, या आप कह लो आपकी माता पिता से, अगर कोई संबंधों में दिक्कत थी तो वो पेरेंटल एंड बच्चों का रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ दिख रहा है। लव रोमांस में भी अच्छा दिख रहा है, इमोशनल है। काम रूटीन अपनी अच्छी रखिएगा, हेल्थ अच्छी रखिएगा, ये ज़रूर कार्ड्स एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। सो ऑल ओवर रूटीन वर्क अच्छा रहने वाला है, जॉब अच्छी रहेगी, एक्सरसाइज, योगा, जो भी आपकी रूटीन है अच्छी रखिएगा, ये सजेशंस हैं आप लोगों के लिए। वीनस अगेन लव रोमांस के कार्ड्स हैं जो अच्छे माने जाएंगे। देखो इन दी मार्च मंथ कैप्रिकॉन्स, अगर आप कुछ भी लग्जूरियस आइटम खरीदना चाहते हैं अच्छा माना जाएगा। फीमेल्स की रिस्पेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे आप अभी मेल हो फीमेल हो, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, रिस्पेक्ट ऑल द फीमेल्स इन योर लाइफ। शुक्रदेव है, शुक्रदेव को प्रसन्न करने का इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं होता है। जितनी आप फेमिनिन स्त्री की इज्जत करते हैं, उतने शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटा उपाय है बट बहुत ज़रूरी है और बहुत पावरफुल है, ठीक है। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं कैप्रिकॉर्न्स इस रीडिंग से। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।